विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर राष्ट्र संत तुकड़ूजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा जागरूकता रैली निकालकर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई गई, जहां भारी संख्या में विद्यार्थियों ने इसमें अपना सहयोग दिया। जागरूकता के लिए कैंसर रिलीफ सोसाइटी के राष्ट्र संत तुकड़ूजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल प्रभाग ने रैली निकाली। बैनर और पोस्टर के साथ नारों से लोगों को कैंसर से बचने के तौर तरीके बताए गए। इस रैली का मार्गदर्शन कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर करतार सिंह, डॉक्टर बी के शर्मा, डॉक्टर वर्षा डोरे ने किया। रैली के जरिए लोगों को जागरूक करने की पहल के बारे में बोलते हुए वरिष्ठ पद अधिकारियों ने कहा कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसमें जान तो जाती ही है, बहुत खर्चीला इलाज भी चलता रहता है, इसीलिए इससे बचने के लिए जागरूक रहे। फरवरी को एक बहुत बड़ा जो दिन होता है उसका नाम होता है वर्ल्ड कैंसर डे। कई ऑर्गेनाइजेशन हमसे मिलते हैं और इसका मतलब इसका यही है कि हम लोगों के प्रति जागरूकता फैलाएं कि कैंसर क्या है और कैंसर को हम किस तरह से उसका बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आज की थीम है क्लोज द कैंसर केयर गैप, और इसी थीम को लेते मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तकरीबन 300 से भी 350 से भी ज़्यादा लोगों ने आज इसका समावेश है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और उसके बाद में स्किट किया गया। एंड नाउ मैं हमारे करतार भाई जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ। आप भी करतार सिंह, डायरेक्टर राज संत तुकड़ूजी कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। आज विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस कैंसर दिवस में हम लोग रैली करते हैं, लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हैं। कैंसर की जो खतरनाक जो तकलीफें हैं उनसे बचने के लिए हम समय पे यदि स्क्रीनिंग, समय पे जांच करवा लें और अर्ली स्टेज में अगर हम इसका इलाज करवा लें तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारी जो कैंसर वैन है उसमें हम दूर दूर तक गांव में जाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। इसमें ब्रेस्ट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और ओरल कैंसर की हम स्क्रीनिंग करते हैं। यदि अर्ली स्टेज में वो सब जाँच के द्वारा पता चल जाता है कि कैंसर है तो इसको ठीक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा डवळे, प्रेसिडेंट नागपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे मैं सबको, सभी स्त्रियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुद की सेहत का उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। सभी स्त्रियों ने 40 के बाद में पैप्समियर की जाँच करानी चाहिए, स्तन यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए और एक सोनोग्राफी भी ज़रूर करना चाहिए ये देखने के लिए कि उनका जो यूट्रस एंड ओवरी ये सब ठीक है कि नहीं है। बहुत बार ओवरी के कैंसर्स इतने बढ़ जाते हैं कि 4th stage तक के पहुंच जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खुद की सेहत के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि हर एक स्त्री ने 40 साल से ज़्यादा या फिर अगर उनके घर में किसी को हिस्ट्री है कैंसर की तो उससे भी कम यानी 30 साल 35 साल में भी वो एक जांच करा सकते हैं। तो एक पैप्समियर ज़रूर कराइए, एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कराइए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, जिससे आपको पता चले कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी यूट्रस एंड ओवरीज सब सही है। धन्यवाद। डॉक्टर वर्षा ढवळे, प्रेसिडेंट नागपुर OBGY सोसाइटी। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।